हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रीमती मुन्नी शर्मा, SKG AVM ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं उनको आप देख भी रहे होंगे। तो मेरा जो वीडियो बनने वाला ऑनलाइन क्लासेस में वो 11th क्लास का चल रहा था। तो 11th क्लास की अपन दो पोएम पढ़ चुके थे जो कि हॉर्नबिल बुक में से ली गई थी। दोनों पोएम छोटी छोटी थी और इसके बाद में आज अपन जो तीसरी पोएम पढ़ेंगे वो भी छोटी सी पोएम है और वो पोएम किसके बारे में दी गई है? बरसात के बारे में, रेन के बारे में। तो अपने दो पोएम को आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, उनके क्वेश्चन आंसर भी मैंने कहा था कि आपको किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी जैसे पहली पोएम फोटोग्राफ वाली पढ़ी थी और दूसरी पोएम अपने जो लेबनम टॉप वाली पढ़ी थी। तो उसमें मैंने आपको दो दो क्वेश्चन बता दिए थे कि यदि आप ये दो दो क्वेश्चन कर लोगे तो आपके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो भी आपके अटेम्प्ट अच्छे से हो जाएंगे। तो ऐसे आज जो अपना वीडियो है वो अपनी थर्ड पोएम का, यानी हॉर्नबिल बुक की जो थर्ड पोएम है उसका लिया गया है और वो पोएम है अपनी द वॉइस ऑफ द रेन, बरसात की आवाज़। इसके जो पोएट हैं वो है वॉल्ट विटमैन। जो वॉल्ट विटमैन है वो एक अमेरिकन पोएट हैं। तो ये जो पोएम है इसके अंदर अपन वॉइस वर्ड को देख करके पता कर सकते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि जो रेन होती है, बरसात जो होती है, उसकी जो आवाज़ होती है उसको अपन साउंड बोलते हैं, वॉइस नहीं बोलते हैं। वॉइस किसकी होती है? ह्यूमन बींग्स की होती है, यानी अपन लोग जब बोलते हैं उसको वॉइस बोल देते हैं कि लो वॉइस है, लाउड वॉइस है। तो बरसात की जो होती है वो साउंड होती है। तो यहाँ पे लेकिन पोएट ने क्या किया है, साउंड की जगह वॉइस का यूज किया है। तो इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस चलने वाली है, यानी सबसे मेन जो पोएटिक डिवाइस है वो है, इसमें पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके अंदर ह्यूमन ट्रेट्स को अटैच करना, यानी मानव के गुणों को उसके अंदर बता देना, तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। जिसे नॉन लिविंग थिंग्स में ह्यूमन ट्रेट्स को अटैच करना पर्सोनिफिकेशन होता है। तो बरसात क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसमें मानव के गुण यानी अपनी वॉइस को अटैच कर दिया। तो रेन की जो आवाज़ है उसके लिए साउंड का यूज नहीं करके वॉइस का यूज किया है, तो यही क्या होता है, ये पर्सोनिफिकेशन होता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, सन शाइन्स एट मी, जो सूर्य है वो, सॉरी, सन स्माइल्स एट मी, सूर्य मेरे ऊपर मुस्कुराता है। अब जैसे सूर्य कभी मुस्कुराता नहीं है, लेकिन मुस्कुराते कौन है? ह्यूमन बींग्स। लेकिन सूर्य के साथ स्माइल्स वर्ड को यूज कर लिया तो वो वहाँ पे क्या कर दिया, जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। तो यहाँ पे जो मेन डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस, वो हो गई आपकी पर्सोनिफिकेशन। अब इसमें जो अपन पहला स्टेंजा, यानी जो अपनी चार लाइनें अपन स्टार्टिंग की वो पढ़ेंगे, तो इसमें जो पोएट है, जो वॉल्ट विटमैन है, वो बरसात के साथ अपनी बातचीत को बता रहे हैं। यानी जब बरसात से उन्होंने कुछ पूछा और बरसात ने उनको जो आंसर दिया वो बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और मेन चीज़ इस पोएम के अंदर बताई गई है, जो अपने छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आते हो, कि अपना जो वाटर साइकिल होता है, जो रेन साइकिल होती है, कि बरसात होती कैसी है, वो सारा इसमें रेन ने अपना बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको वाटर साइकिल के बारे में बताएं। जैसे वाटर साइकिल है, जो बरसात के अंदर नीचे ज़मीन के अंदर पानी जाता है, ज़मीन का जो थोड़ा पानी समुद्र में जाता है, समुद्र से वही पानी इवोपरेट होकर के, यानी उसकी जो वेपर रूप में, भाप के रूप में, जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो भाप के रूप में वो जाता है स्काई के अंदर, वहाँ वो क्लाउड्स के शेप में बन जाता है। तो क्लाउड्स के शेप, क्लाउड के बाद में अपनी उससे, क्लाउड से जो बरसात होती है वही बरसात का पानी वापस ज़मीन में जाता है, वापस वो इवोपरेट होकर के क्लाउड्स में जाता है। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो इसमें जो रेन है वो अपने ओरिजिन के बारे में, अपने जो अस्तित्व के बारे में और अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है, उसका जो रोल है वो बता रही है। तो इसमें जो रेन जो साइकिल है, अपना जो वाटर साइकिल है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो यहाँ पे जो पोएट पूछता है, एंड हु आर्ट दाउ, आर्ट जो ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है आर, जो आज अपन पढ़ते हैं इज एम आर, तो वो आर्ट का मतलब होता है आर। दाऊ का मतलब होता है यू,
तुम के लिए आते हैं। तो यहाँ जो पोएट हैं वो रेन से पूछते हैं एंड हु आर दाउ, कि तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर यहाँ पे आ गया रेन के लिए। सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब धीरे धीरे जो बरसात का पानी नीचे गिर रहा है, उससे पोएट ने पूछा, यानी धीरे धीरे होने वाली बरसात की बूंदों से, बरसात से मैंने पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, अब पोएट कहता है कि उस पोएट जो रेन थी उसने मुझे जो जवाब दिया था वो आंसर सुनकर के मैं कुछ स्ट्रेंज, यानी मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि जो बरसात कभी बात नहीं करती है तो उस बरसात ने मुझे आंसर दिया। गेव मी एन आंसर, उसने मुझे एक उत्तर दिया एज हियर ट्रांसलेटेड, और उस बरसात ने जो उत्तर मुझे दिया उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसलेट, यानी बरसात ने जो कुछ भी कहा उसको मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके आगे बता रहा हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, पोएम का मतलब कविता, तो यहाँ जो आई है वो आया आपके रेन के लिए। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो वो पोइट बताता है कि बरसात ने मुझे आंसर दिया, बरसात ने मुझे बताया कि मैं इस धरती की कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, बरसात की आवाज़ ने कहा, बरसात की वॉइस ने मुझे कहा, यानी बरसात ने जो कुछ मुझे कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो धरती की कविता है, मैं धरती की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, एटर्नल का मतलब होता है अनएंडिंग, यानी जिसका कोई अंत नहीं होता है वो होता है अनएंडिंग। आई राइज इम्पेल्पेबल, इम्पेल्पेबल का मतलब है विच कैनोट बी टच, विच कैनोट बी टच, इम्पेल्पेबल का मीन्स हो गया कि जिसको छुआ नहीं जा सकता है। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, सी को बॉटमलेस डीपली के लिए बताया है, उसकी डीपनेस के लिए बताया है कि समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा होता है तो उसके कोई, उसका कोई बॉटम नहीं बताया है। पोइट कहता है कि बरसात कह रही है कि सागर का कोई बॉटम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसको बॉटमलेस बताया है। एटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल, एटर्नल का नहीं। अब जो रेन है वो कहती है पोइट को कि मैं क्या हूँ, अनएंडिंग हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है। आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं कहाँ से उड़ती हूँ, जो जमीन है उसके अंदर से और साथ ही साथ जो बॉटमलेस समुद्र है, यानी जो समुद्र की गहराई है वहाँ से मैं उठकर आती हूँ। और यहाँ पे जो पोइट बता रहा है, यानी बरसात ने जो इवोपरेशन, जो वाष्प बन करके समुद्र से बरसा, जो समुद्र का पानी है वो वाष्प बन करके, भाप बन करके ऊपर उड़ता है तो उसको बोलते हैं इवोपरेशन। तो यहाँ पे जो इम्पेल्पेबल वर्ड का यूज किया गया है वो उसके वाष्पीकरण के लिए किया गया है, उसके वेपर फॉर्म के लिए किया गया है। तो जो बरसात कहती है कि मैं अनएंडिंग हूँ और मैं वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में जमीन से और समुद्र की गहराई से उठती हूँ। तो इसमें पॉइंट में बताया कि जो पॉइंट सबसे पहले उससे रेन से पूछता है कि तुम कौन हो, फिर वो पोइट कहता है कि जो मुझे आंसर दिया था वो मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताता हूँ, और उसके बाद में पोएम बताती है कि मैं इस धरती की कविता हूँ और पोएम की यही आवाज़ थी, और कविता होने के मैं कहाँ से उठकर आती हूँ, यानी मैं अनएंडिंग हूँ और मैं इस जमीन से और समुद्र की गहराई से उठ करके आती हूँ। अपवर्ड टू हेवन वेंस वैगली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, I descend to lave the droughts, atomic dust layers of the globe. अब जैसा कि पोएम ने, सॉरी रेन ने पोइट को बताया था कि किस तरीके से वो भाप बन करके वेपर के रूप में घूम करके एक सर्किल के साथ अपने ओरिजिन तक वापस आ जाती है, तो इसमें जो रेन है वो बता रही है कि अपवर्ड्स हेवन, हेवन का मतलब यहाँ हो गया स्काई के लिए, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ, हेवन स्काई, वेंस ये भी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, वेगली, वेगली का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है उसको बोलते हैं वेगली। फॉर्म का मतलब किस रूप में, जिस रूप में वो है, किसी न किसी रूप में, यानी रूप को किस फ्रेम के रूप में है वो, तो उसको अपन बोलते हैं फॉर्म। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब लगभग,
चेंज्ड एंड येट द सेम. आई डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है कम डाउन, नीचे आना. जैसे अपन मैथ्स में पढ़ते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग हमारा ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, डिसेंडिंग हमारा नीचे की तरफ आते हुए. टू लेव, लेव का मतलब होता है टू वॉश, धोना. लेव यानी टू वॉश. दैट ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का मतलब इस धरती पे जो भी सूखे पड़े हुए जगह हैं, सूखी सूखे स्थान जहाँ सूखा पड़ा रहता है. एटमीज का मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स. टाइनी का मतलब छोटे और पार्टिकल्स का मतलब होता है कण. डस्ट लेयर, डस्ट यानी धूल की परत, धूल की परत. डस्ट यानी धूल, लेयर यानी परत. ऑफ द ग्लोब, ग्लोब आ गया यहाँ पे अर्थ के लिए, धरती के लिए आ गया ग्लोब. तो अब इसमें जो रेन है वो पोइट को बताती है कि अपवर्ड टू हेवन, यानी जब वास्प के रूप में, उस वेपर के रूप में मैं जाती हूँ तो मैं किधर जाती हूँ, आकाश की तरफ. जैसे कि मैंने कहा था कि एक मोटरसाइकिल के बारे में अपनी जो रेन है वो बता रही है कि किस प्रकार उसका साइकिल चलता है, तो यहाँ जो रेन है वो बता रही है कि किस प्रकार समुद्र के पानी से वाष्प बनकर के मैं स्काई की तरफ जाती हूँ, आसमान की तरफ जाती हूँ. वेंस फ्रॉम वेयर, और वहाँ से मैं वेगली फॉर्म, यानी आसमान की तरफ जा कर के जो मेरा फॉर्म है, जो मेरा रूप है वो कैसा हो जाता है, नॉट क्लियर. यानी जो मेरा रूप वहाँ से जाता है, उस भाप के रूप में, वेपर के रूप में मैं जा रही हूँ, तो वो क्लियर नहीं होता है. आप लोगों को मैं दिखाई नहीं देती हूँ. जो आसमान की तरफ मेरा रूप जाता है वो दिखाई नहीं देता है. ऑल टुगेदर चेंज, और जो भाप वाला मेरा रूप है वो एकदम से लगभग पूरी तरीके से चेंज हो जाता है. एंड येट द सेम, चेंज कैसे हो जाता है, आसमान में जा कर के वही भाप, वही वाष्प, जो वेपर है वो किसकी शेप ले लेते हैं, क्लाउड्स की शेप ले लेते हैं, यानी ऊपर जा कर के वो क्लाउड बन जाते हैं. एंड येट द सेम, येट द सेम किसके लिए है, रेन बता रही है कि मैं वहाँ पे मेरा रूप जरूर चेंज हो जाता है, मेरी फॉर्म जरूर चेंज हो जाती है, लेकिन मैं हूँ वही, कौन हूँ, मैं हूँ वही वाष्प जो समुद्र के पानी से वाष्प बन के उड़ती हूँ, मैं हूँ वही, लेकिन ऊपर की तरफ जाने के बाद मेरा फॉर्म है वो लगभग चेंज हो जाता है. आई डिसेंड टू लेव देयर ड्रॉट्स, यानी बादल बनने के बाद वहाँ जब मेरा वाष्प वाला फॉर्म है वो क्लाउड्स के रूप में चेंज हो जाता है, तो वहाँ क्लाउड्स के बाद में क्या होता है, मैं कहाँ आती हूँ, बादल से मैं बरसात के रूप में डिसेंड नीचे आती हूँ. टू लेव, टू लेव यानी धोने के लिए, यानी नीचे जो ज़मीन के ऊपर द ड्रॉट्स, जो सूखे स्थान है जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, उन सूखे स्थानों को धोने के लिए वहाँ पे मैं नीचे आती हूँ. यानी मेरी वजह से मैं उन जगह पे जाती हूँ जो स्थान पूरी तरह से सूखे हैं, जहाँ पे पानी की कमी रहती है, जहाँ पे फसल नहीं उगती है, तो जो क्लाउड्स के रूप में मेरा फॉर्म था वो नीचे आता है बाद में पानी के रूप में, और सूखे स्थानों पे, धरती पे जो सूखे स्थान है वहाँ पर. एटमीज, और जब मैं नीचे आती हूँ तो इस धरती पे जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनको मैं धो देती हूँ. साथ ही साथ डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, इस धरती के ऊपर जो डस्ट की, यानी जहाँ जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ जहाँ गंदा गंदगी फैली हुई रहती है, तो उस गंदगी को मैं धो देती हूँ. तो मैं नीचे आती हूँ, बादल से मैं बरसात के रूप में नीचे आती हूँ, नीचे आकर के मैं सूखे स्थानों पे आके गिरती हूँ, और साथ ही जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको धोती हूँ, और साथ ही इस धरती के ऊपर जो गंदगी जमी हुई रहती है जो उसको मैं धोने का काम करती हूँ. तो ये थे अपने जो छोटे छोटे दो स्टेंजा. तो इसमें जो पोइट ने रेन के साथ जो बात हुई थी उसको ट्रांसलेट करके पोइट बता रहा है. अब आगे रेन क्या कहती है अपने बारे में, यानी वो अपने सर्किल के बारे में बता रही है, और आगे जो पोइट अपन को जो एक जो देगा, हमें जिस तरीके से एड्रेस करेगा उसके बारे में बताएगा पोइट. तो ये थे अपने दो छोटे छोटे स्टेंजा. इसके बाद में इस पोएम का एक छोटा सा स्टेंजा बचा हुआ है, जो अपने अगले वीडियो में, मैं अगले वीडियो में आपको छोटा सा स्टेंजा पढ़ा दूंगी. तो आप जी जो बुक्स आपके पास हैं, तो हॉर्नबिल बुक में से इस जो छोटी सी पोएम है उसके दो स्टेंजा पढ़ना, उसके ट्रांसलेशन को देखना, और आगे का वीडियो में जो अपना तीसरा स्टेंजा है वो आ जाएगा. थैंक यू.